नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल महात्मा क्लासेज में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम SSC GD GK GS का प्रैक्टिस सेट 6 को सॉल्व करेंगे। जो भी प्रश्न इस क्लास में हम पढ़ाएंगे, सभी प्रश्न आपके SSC GD के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो क्लास को पूरा अंत तक देखना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न है आपका, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। देखो, जो हिमालय पर्वत श्रेणी है वो इनमें से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? वो हमारे उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1861 में, 1872 में, 1881 में, 1882 में। जो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? वो हमारे 1872 में हुई थी। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? लॉर्ड डीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मियो, लॉर्ड नॉर्थबुक। क्या हो जाएगा? जो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी वह किसके कार्यालय में संपन्न हुई थी? वो हमारे लॉर्ड मेया हो जाएगा सही आंसर। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में जनगणना का क्रमवार आंकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? 1872 में, 1881 में, 1891 में, 1901 में। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 1881 हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, जनगणना की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। जल्दी से आंसर बताओ। जो जनगणना की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी द्वितीय हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, जो भारत की जनसंख्या वो कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? 102.25 करोड़, 102.87 करोड़, 105.65 करोड़, 121.05 करोड़। क्या हो जाएगा? जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? वो हमारे 121.05 करोड़ है। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व के कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग कितनी है? 14.5%, 17.5%, 19.5%, 21.5%। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 17.5%। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्टेनिया, ब्राजील। जो भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है वो कौन सा देश है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा सही आंसर, जिसके बराबर हमारे भारत देश में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है? 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं। जल्दी से आंसर बताओ, क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी 15वीं हो जाएगा सही आंसर। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन सी 7वीं हो जाएगा सही आंसर। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? 15 वर्ष, प्रतिवर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। जो जनगणना वो कितने वर्ष के अंतराल में की जाती है? जल्दी से आंसर बताओ। वो हमारे हर दस वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल। जल्दी से आंसर बताओ, क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश हो जाएगा सही आंसर। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, जनगणना के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है? सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए सिक्किम हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत थी? 14.2%, 15.5%, 16.5%, 18.5%। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी 16.5%, सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकोट की पहाड़ियों से, विद्यमान पर्वतों से, सिरोज से, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताओ, जो सोम नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? वो हमारे अमरकटन की पहाड़ियों से होता है, ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत से, नेपाल से, उत्तराखंड से, चीन से। जो कोसी नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है जल्दी से आंसर बताओ, वो हमारे तिब्बत से होता है, ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर तिब्बत से। अगला प्रश्न है, सौक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को, दामोदर नदी को, ब्राह्मणी नदी को, गंगा नदी को। जो बिहार का सौक है वो किस नदी को कहा जाता है जल्दी से आंसर बताओ, वो हमारे कोसी नदी को कहा जाता है, बिहार का सौक, ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा, झेलम, यमुना, गोमती। जो आगरा शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वो हमारे यमुना के किनारे बसा हुआ है, सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती, शिप्रा, मुशी, लोनी। जो लखनऊ शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वो हमारे गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर, चंबल नदी पर, माही नदी पर, इनमें से कोई नहीं। जो चूलिया जलप्रपात है वो किस नदी के पर स्थित है जल्दी से आंसर बताओ, वो हमारे चंबल नदी पर स्थित है, बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, वूलर झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। जो वूलर झील है वो किस राज्य में स्थित है जल्दी से आंसर बताओ, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर हो जाएगा सही आंसर, बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकनटट किस राज्य में स्थित है? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी मणिपुर हो जाएगा सही आंसर, बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध लेगुन झील चिल्ला किस राज्य में स्थित है? पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी उड़ीसा हो जाएगा सही आंसर, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। जो लोनार झील है वो किस राज्य में स्थित है? वो हमारे महाराष्ट्र में स्थित है, सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांबर झील वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। जो विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांबर झील है वो हमारे राजस्थान राज्य में है, बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा।